हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूशन मेडिमेथ क्लासेस। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है। कह रहा है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। देखो हमें क्या करना है, जो दो इक्वेशन है उसे सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से हम मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, जो मेरे पास पहली इक्वेशन है वो सिंपल सा क्या है, मेरे पास 2x + 3y = 11। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद जो इक्वेशन सेकंड है वो है 2x - 4y = 24। ठीक है, वो क्या 2x - 4y = -24 है, ये इक्वेशन सेकंड है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके जो हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है y = mx + 3। इसमें से हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2x + 3y = 11 इक्वेशन फर्स्ट, और जो है 2x - 4y = -24 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, जो हमें इसको क्या, हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या है, जो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन के हम अपोजिट करते हैं। ठीक है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो मेरे चैनल पर जाकर सीख लो। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, जो मेरे पास नीचे वाली इक्वेशन है उसके हमें साइन के अपोजिट करना है। जैसे यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो माइनस करना है, ये माइनस का इसे प्लस का करना है, और ये माइनस का इसे प्लस करना है। ठीक है, तो देखो क्या है कि जब ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, जब ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर क्या है, जब दोनों सेम होते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, और साइन अपोजिट होते हैं तो क्या है, कट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना, जब दोनों के साइन सेम हो और नंबर अलग अलग हो तो इन्हें क्या ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, 7y = यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास 35। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो y = 35/7=5। ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू है वो क्या आ गई, सिंपल y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू जो 5 है इसे हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। जैसे मान लो मैं इसे पुट करता हूँ फर्स्ट में, ठीक है, अगर इसे फर्स्ट में पुट करूँगा तो वैल्यू क्या है मेरे पास, 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो 2 और x के प्लेस पे x हमें क्या रखना है, या y के प्लेस पे 5 रखना है = 11। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, मैंने 5 पुट किए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे 2x + 5 = 15 = 11। ठीक है, इस साइड प्लस है और साइड जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, आ जाएगा माइनस। तो 2x = क्या है, सिंपल सा y माइनस का 15, तो 2x = -4। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो x = 4/2, आंसर क्या है मेरे पास, -2। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2 आ गई। अब क्या करना है, मेरे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, तो क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या, m की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, y = mx + 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y के प्लेस पे y की वैल्यू मतलब 5 = m, x के प्लेस पे क्या है, -2 और +3, इस साइड ये प्लस में, उसका जाके माइनस में आ जाएगा। हमें क्या करना होता है, जैसे मेरे को m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जितने भी मेरे पास नंबर है सबको उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, जैसे प्लस में = के उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 है, ठीक है, इस साइड प्लस में, उस साइड जाके माइनस में = तो क्या आ मेरे पास, -2m, सेट किया 2 मल्टीप्लाई में, उस जाएगा डिवाइड में। तो पहले यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो सिंपल से क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास आएगा -2 = -2m। ठीक है, नहीं यहाँ पे प्लस का आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, m = 2/2 - 2, आंसर है मेरे पास -1। तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई -1, दैट्स ऑल। वैसे तो हमें करना कुछ नहीं था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं,
बस ये जो वैल्यू ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। और क्या करना होता है कि जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, ठीक है। पुट करने के बाद मेरे पास जो भी इसका आंसर आना होगा वो आराम से आ जाएगा। दैट्स ऑल गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू।